Hello students, today we'll be starting with a new chapter in English for standard 10 student. The name of the chapter is A Letter to God, okay? Written by J.L. Pinters, okay? Let's start with the chapter. ये chapter एक faith पे based है कि farmer को कितना faith था God पे और उसको कितना confidence था कि God उसकी बात सुनेंगे. पहले मैं introduction read कर रही हूँ. They say faith can move mountains. ये कहावत है कि faith can move mountains. कि अगर तुमको विश्वास है ना तो तुम mountains को भी हिला सकते हो. Clear? So ये कहावत है faith can move mountains. अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हो. इस चीज को represent करते बोला कि you can move mountains, तुम mountains भी हिला सकते हो. But what should we put our faith in? लेकिन हम अपना faith किधर रखें? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer. ये story Lencho के बारे में. उसे farmer who writes a letter to God. अब ये जो Lencho farmer है वो किसको letter लिख रहा है? भगवान को letter लिख रहा है. कब letter लिख रहा है? When his crops are ruined. Ruined मतलब खराब हो जाना, destroy हो जाना. तो Lencho करके एक farmer है जो भगवान को letter लिख रहा है जब उसके सारे के सारे crops destroy हो जाते हैं. Asking for 100 pesos और उनसे 100 pesos मांग रहा है, मतलब एक करेंसी है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है. क्लियर? Does Lencho letter reach the God? क्या Lencho का letter है भगवान से 100 pesos मांगता हुआ, वो letter भगवान तक पहुंचता है? Does God send him money? क्या भगवान उसको पैसे देता है? Think what your answer to this question and guess how the story continues. ठीक है, तो यहाँ पे Lencho करके एक farmer की कहानी बोली गई है जिसका पूरे crops destroy हो जाते हैं because of hailstorm. अब उसके crops destroy हो जाते हैं तो वो इतना पॉवर्टी में आ जाता है कि उसके पास वो मतलब पूरे साल वो भूखा रहेगा. अगर अभी उसके क्रॉप्स खराब हो गए तो अब उसके पास इतना भी नहीं कि वो अपना घर का लाइवलीहुड अर्न कर पाए, वो खाना भी खा पाए. तो इसलिए ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको कुछ दिखाई नहीं देता. उसको लगता है अब एक ही सहारा है, टू कॉन्टेक्ट गॉड. अब भगवान के अलावा कोई बात नहीं सुनेगा. सो वो गॉड को लेटर में लिखते हैं और लेटर में 100 pesos मांगते हैं. अब एक्चुअली गॉड ने पैसे दिए कि नहीं दिए, पैसे मिलने पे रिएक्शन क्या था फार्मर का, वो सारी बातें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. वैसे चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी. क्लियर? सो लेट्स बिगिन. जस्ट अ मिनट. यस, लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 3. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. मतलब यहाँ पे एक हाउस की बात करिए जो पूरी वैली में सिर्फ एक अकेला हाउस है जो लो हिल के क्रेस्ट पे. क्रेस्ट मतलब हिल का टॉप. जो एक छोटा सा हिल है, लो लाइंग हिल के टॉप पे घर है. ठीक है, क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल. हिल के टॉप पे घर है, हाउस है. ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. सो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. मतलब ये जो हाइट है, फ्रॉम द हाइट मतलब बिकॉज ये जो घर है वो कहाँ पे था? हिल क्रेस्ट पे था, मतलब क्रेस्ट पे था, दैट इज टॉप ऑफ द हिल पे था. तो वो ऊंचाई से नीचे क्या देखते हैं? नीचे रिवर दिखती है. ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं तो रिवर दिखती है और एक पूरा क्रॉप फार्म दिखता है जिसमें कॉर्न के राइपन कॉर्न होते हैं, कॉर्न के क्रॉप्स होते हैं और फ्लावर्स दिखते हैं जो हमेशा गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते हैं, मतलब जो बताते हैं कि बहुत अच्छा हार्वेस्ट इस साल होगा. क्लियर? सो बेसिकली फार्मर का जो घर है वो क्रेस्ट पे, हिल के टॉप पे, और जब हिल के टॉप पे वो ऊंचाई से नीचे दिखते हैं तो उसको ब्यूटिफुल सी रिवर दिखती है और अपना फील्ड दिखता है जहाँ पे राइप करे हुए कॉर्न पड़े हुए और वहां पे फ्लावर्स भी, और ये सजेस्ट करते हैं कि इस साल अच्छा हार्वेस्ट होगा. क्लियर? The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ये सब perfect था, सिर्फ एक ही चीज की कमी थी. अर्थ को क्या चाहिए था? एक downpour या shower. Downpour मतलब बहुत heavy बरसात, heavy rainfall, और shower मतलब एटलीस्ट थोड़ी बरसात. तो बोला है बस अर्थ को या तो एक heavy down, मतलब एक downpour हो जाए, heavy rainfall आ जाए, तो heavy rainfall नहीं तो थोड़ी rainfall भी आ जाए, shower जितनी rainfall भी आ जाए तो एक अच्छा मतलब उन लोग का क्रॉप अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएंगे. ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग Lencho who know News feel intimately had done nothing else but to see the sky towards the northeast. मतलब सुबह से लेके Lencho सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड स्काई को देख रहा है कि क्या बारिश आ रही है. यूजुअली हमने मूवीज में देखा होगा फार्मर्स स्काई को देखते रहते हैं कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, जो मूवीज है उसमें ऐसा आता है. सो बेसिकली Lencho भी पूरे दिन सुबह से क्या स्टार्ट कर रहा था, सुबह से वो वही स्काई की तरफ देख रहा था. ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन. तो क्या बोला Lencho ने, अभी हमको कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब वी आर गोइंग टू गेट सम वॉटर, मतलब अभी बरसात आने वाली है.
The woman who was preparing supper, वो जो women को बोला वो supper बना रही थी, उसने बोला yes God willing. तो बोला हाँ अगर भगवान की मर्जी हुई तो God willing, भगवान चाहे तो अच्छी बारिश होगी. The older boys were working in the field, जो old boys थे वो field पे काम कर रहे थे और जो smaller ones थे वो house के यहाँ पे खेल रहे थे. And then the woman called to them, come for dinner. मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम करते और छोटे बच्चे घर के यहाँ पे खेल रहे थे, जब तक वो वुमेन ने बच्चों को बुलाया कि कम फॉर डिनर, के डिनर का टाइम होगा, डिनर खाने आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. अब जो वो मील ले रहे थे अपना, तो जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश आने वाली, उसी तरह बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स आने लग गए. ठीक है, मतलब बारिश चालू हो गई, रेनफॉल चालू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. मतलब नॉर्थ ईस्ट से जब देख रहा था ना, तो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे क्लाउड्स अप्रोच करते हुए आ रहे थे, काले काले बादल आ रहे थे, जो सजेस्ट कर रहे थे बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली. द मैन वेंट Just a minute. Had the air was fresh and sweet. जो हवा चल रही थी वो भी बहुत fresh थी, sweet थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो वो जो मैन था वहां से उठ के बाहर गया, लेंचो बाहर गया बारिश को फील करने में, हाथ पे अपनी बॉडी पे बारिश का पानी फील करने के लिए. And he when he returned, he exclaimed, और जैसे ही वो आया उसने बोला, these iron raindrops falling from the sky, they are new coins. तो उसने बोला कि बारिश नहीं है, कि रेन के ड्रॉप्स नहीं, बारिश की बूंदे नहीं है, ये मेरे लिए तो क्या है, सिक्कों जैसे, कॉइन्स जैसे. जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं वो मेरे 10 सेंट के बराबर, और जो छोटे छोटे वो 5 सेंट के बराबर है. वैसा क्यों बोला, बिकॉज उसके लिए तो बारिश ही उसके पैसे है. क्यों उसको बारिश को पैसों से कंपेयर किया, बिकॉज बारिश आएगी तभी उसके क्रॉप्स अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएंगे और उसको पैसे मिल पाएंगे. तो उसके लिए बारिश अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. तो जो बड़े बड़े वो बोले कि रेन के ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं, मेरे लिए न्यू कॉइन्स भगवान ऊपर से फेंक रहे हैं, ऐसा है, मतलब शार कर रहे हैं. ठीक है, तो जो बिग रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट बराबर है और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट बराबर है. राइट, ओके, आगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. तो उसने एक satisfied expression बनाया कि चलो अच्छा होगा, एक satisfied expression बनाया, और वो उसको ऐसा फील हुआ कि जो भी उसका corn का field है उसको कैसे ड्रेप कर लिया with the cloth of rain, मतलब पूरा बारिश में उसका जो crop है, जो उसका field है वो ड्रेप हो गया, कवर हो गया. ठीक है, आगे. But suddenly, अचानक से क्या हुआ, A strong wind began to blow. अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी. And along with the rain, very large hailstorm began to fall. मतलब अभी तक तो लेंचो was very happy कि अच्छी बारिश हो रही है, downpour हो रहा है, and he would be getting a good harvest. लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा चली और मतलब रेन ड्रॉप के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुई और हेलस्टॉर्म, मतलब हेलस्टॉर्म्स आने लगे, बर्फ के बड़े बड़े पीसेस हेलस्टॉर्म्स आने लगे. This truly did resemble new silver coin. तो उसको कैसे लगा ये हेलस्टॉर्म, कि कोई न्यू सिल्वर कॉइन्स भगवान भेज रहे हैं. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. मतलब जो बच्चे बारिश में से खड़े थे वो भाग के फ्रोजन पर्ल्स, मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े कलेक्ट करने लगे. इतने हैवी हेलस्टॉर्म आ रहे थे, बर्फ के बड़े बड़े स्टॉर्म्स हेलस्टॉर्म्स आ रहे थे और बच्चे उनको कलेक्ट करने लगे. It's really getting bad now, exclaimed the man of Lencho. ने बोला ये सिचुएशन थोड़ी बुरी होती जा रही है, बारिश तक ठीक है, हेलस्टॉर्म से तो पूरा उसका क्रॉप खराब हो जाएगा. आई होप इट पासेस क्विकली, उसने बोला एक फटाफट जो हवा है वो जल्दी चले जाए और हेलस्टॉर्म भी चले जाए और वापस बरसात आ जाए, जिससे मेरा क्रॉप अच्छे से कल्टिवेट हो पाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो हेलस्टॉर्म क्विकली पास नहीं हुआ. ठीक है, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन. द एक घंटे तक बर्फ के ओले पड़े, एक घंटे तक हेलस्टॉर्म का इफेक्ट रहा, मतलब घर पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्न के फील्ड पे, पूरी वैली पे एक घंटे तक हेलस्टॉर्म पड़ी. ठीक है, द फील्ड वॉज व्हाइट एट इज कवर्ड विद सॉल्ट. पूरा का पूरा फील्ड व्हाइट हो गया, जैसे नमक से कवर हो गया. मतलब व्हाइट क्यों बोला है, बिकॉज हेलस्टॉर्म आएगी, बर्फ के टुकड़े पूरे फैल गए थे क्रॉप पे, फील्ड पे. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, ट्री पे एक पत्ती भी नहीं बची, सारी पत्तियां चले गई. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न का फील्ड था पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, सारा उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया. फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से फ्लावर्स भी उड़ के चले गए. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो के दिल में बहुत ज्यादा उदासी आ गई, बहुत ज्यादा सैड हो गया.
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. और जैसे ही पूरा ये हेलस्टॉर्म गया तो वो बीच में पील के खड़ा था और पूरा जो उसका फील्ड था पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, रूइंड हो गया था. तो उसने अपने बच्चों को बोला, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. मतलब अगर लॉक्टस का, लोकस्ट का अगर झुंड भी आ जाता ना तो भी शायद से अपना क्रॉप इससे तो ज्यादा बच जाता. लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट एक टाइप के ना इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं और पूरे के पूरे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. वो हमेशा झुंड में आते हैं. लोकस्ट जो होते हैं ना वो हमेशा बड़े बड़े झुंड में आते हैं और आके पूरा का पूरा फार्मर्स का क्रॉप डिस्ट्रॉय करते हैं. उसको लोकस्ट बोलते हैं. अभी लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया में भी, ठीक है. तो ये जो लोकस्ट होते हैं वो आते हैं और पूरा का पूरा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं. ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं. तो फार्मर ने बोला कि अगर लोकस्ट का झुंड भी आ जाता तो शायद से इससे ज्यादा बच जाता, अभी तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया. द हेल है लेफ्ट नथिंग. ये हेल स्टॉर्म से अपने पास अब कुछ भी नहीं रहा. दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न. ये साल अपने पास कोई कॉर्न नहीं है. तो सिमिलर दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. वो नाइट बहुत उदासीनता भरी थी, बहुत सोरोफुल नाइट थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. जो अपन ने इतनी मेहनत की इतने टाइम से कि हमारा अच्छा हार्वेस्ट होगा, इट्स फॉर नथिंग. लेकिन आज उसका कोई भी अहमियत, उसका कोई भी महत्व नहीं है. ऑल द वर्क जो हमने किया वो जीरो वैल्यू का हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई हमारी मदद कर नहीं सकता. वी ऑल विल गो हंग्री. दिस इज पूरे साल हम भूखे ही रह जाएंगे. क्लियर? ओके. तो समझ आया अभी तक जितना पढ़ा कि उसके वो एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश होगी, बारिश हुई, ही वॉज हैप्पी. बट सडनली एक तेज हवा चढ़ी, बारिश के साथ हेल स्टॉर्म आ गया. उसने तो भी सोचा ये शायद से फटाफट पास हो जाएगा, लेकिन एक घंटे तक हेल स्टॉर्म और उसका पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया. वो बहुत उदास हो गया. उसको लगा अब तो ये साल हम पूरा कुछ खा ही नहीं पाएंगे. उसने बोला लोकस अटैक होता तो शायद से तो भी इससे ज्यादा बच जाता, बट ये हेल ने तो अपना अपन को पूरा बर्बाद कर लिया. अब आगे क्या हुआ देखो. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope held from God. लेकिन उस वैली में, उस हिल के ऊपर जो घर था, जहाँ उसमें जो भी रह रहा था, फार्मर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसमें एक ही होप थी, है हेल्प फ्रॉम गॉड. कि अब कौन मदद करेगा? भगवान. अब भगवान को हेल्प करनी पड़ेगी. भगवान हेल्प करेंगे. Don't be so upset, even though this seemed like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो बोला कि इतना upset मत हो, भले ही बहुत बड़ा destruction हो गया, total loss हो गया, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता. No one dies of hunger. That's why we say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. उस दिन पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही बात सोची कि अब उसको भगवान की मदद चाहिए. Whose eyes says he had been instructed, see everything, even what is deep in one's concerns. Lencho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. अभी जो Lencho है ना, वो एकदम hard working था. वो पूरे के time ox of man, मतलब animal से compare के वो ox समान था. Ox के से बहुत पूरे दिन मजूरी करता था, उसी तरह Lencho भी पूरे दिन मजूरी करता था, लेकिन उसको still थोड़ा लिखना आता था. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. तो फिर next Sunday पे daybreak जब हुआ तो एक letter लिखना चालू करा और उसने बोला letter मैं खुद जाके town में mail box में रख के आऊंगा. It was nothing less than a letter to God. और ये जो letter वो लिख रहा था वो क्या था? He was writing a letter to God. वो भगवान को मदद के लिए letter लिख रहा था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I would go hungry this year. तो उसने क्या लिखा उस लेटर में? भगवान, अगर आपने अभी हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो बोला मुझे 100 pesos चाहिए. मैंने आपको pesos पता है, एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है. मुझे 100 pesos चाहिए मेरे फील्ड को वापस सो करने के लिए, और जब तक ये जो भी मैं न्यू फील्ड सो करूंगा उसमें से क्रॉप्स आए तब तक सर्वाइव करने के लिए, इन दोनों चीजों के लिए मुझे टोटल 100 pesos चाहिए. एक तो फील्ड को वापस मुझे बोना पड़ेगा, और जब तक वो बोए हुए फील्ड में से हार्वेस्ट आएगा तब तक मुझे खाने पीने के लिए और पैसे चाहिए होंगे. तो इतने के लिए मुझे 100 pesos रुपए चाहिए. ओके, 100 pesos चाहिए. सॉरी. He wrote to God on the envelope. और envelope पे क्या लिखा? Address to God. अपन designate करते ना किसको letter लिख रहे, तो उसने क्या लिखा? To God. Put the letter inside and still trouble went to the town. Letter को अंदर रखा envelope में और वो town में गया. At the post office he placed a stamp on the letter. Post office पे जाके उसने letter पे stamp करा और उसने mailbox में letter को डाल दिया. One of the employee was a postman and also helped at the post office. एक employee था जो postman था और जो post office में भी मदद करता था.
went to see his boss laughingly hearting and show him the letter to God. उसने वो letter देखा letter to God तो वो हंसते हंसते अपने boss को बताने का ये देखो किसी ने letter लिखा और किसको letter लिखा है to God भगवान को letter लिखा है. Never in his career he as a postman had he known that address. तो उसने अपने करियर में वो पोस्टमैन इतने सालों तक था लेकिन कभी भी उसको भगवान का पता नहीं पता मतलब ही डोंट नो द एड्रेस ऑफ द गॉड गॉड को कहां से ये लेटर डिलीवर करा है. पोस्टमैन पोस्टमास्टर जो था वहां पे पोस्ट ऑफिस का ही वाज अ फैट एनेबल फेलो. फैट एनेबल मतलब बहुत ट्रेंडी और प्लेजेंट नेचर का फेलो था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी जोर जोर से बात को देख के हंसने लगे कि किसी ने भगवान के लिए लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया. But almost immediately turned serious and tapping the letter on his desk. लेकिन हंसते हंसते वो अचानक से सीरियस हो गया उसने लेटर को अपने डेस्क पे ऐसे टैप किया और बोला What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up the correspondence with God. तो बोला कितना विश्वास है इस इंसान को इतना उसको विश्वास है कि उसने भगवान के साथ बातचीत करेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन चालू कर दिया. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with the idea. तो उसको writer's faith मतलब जिसने भी वो letter लिखा था वो letter का जो वो letter लिखने वाले का जो भगवान ने faith है विश्वास है वो टूटे नहीं इसलिए postmaster ने एक idea सोचा. क्या idea सोचा? Answer the letter कि चलो इसका जो भी letter उसको अपन जवाब देते क्योंकि अगर अपन इस letter का जवाब नहीं देंगे तो obviously कोई जवाब नहीं देगा और जो जिसने भी letter लिखा है उसका भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा कि भगवान जवाब नहीं देते तो हम इसका जवाब देते जिससे उसका भगवान ने पे बना रहे. But when he opened it, it was evident that the answer it he needed something more than goodwill ink and paper. लेकिन जैसे letter खोल के पढ़ा उसमें तो क्या लिखा था कि मुझे 100 pesos चाहिए. तो अभी लेटर का आंसर करने के लिए सिर्फ इंक पेन और पेपर से काम नहीं चलेगा 100 पेसोस रुपीस चाहिए होंगे ना. पोस्ट मास्टर ने सोचते हैं कि उसके लेटर का जवाब देते लेकिन जो लेटर का जवाब था उसके लिए सिर्फ पेन और पेपर नहीं चाहिए इंक नहीं चाहिए उसके लिए 100 पेसोस चाहिए राइट. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन लेकिन उसने जो सोचा था उसको वो करना था. ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन उसको अपनी बात पे कायम रहना था ठीक है. जस्ट अ मिनट. He asked for money from his employee. He himself gave him a part of his salary. उसने अपने employee से थोड़े पैसे मांगे. उसने खुद की सैलरी में से भी पैसे निकाले और काफी फ्रेंड्स से भी पैसे लिए. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मतलब सबको बोला कि एक चैरिटी का एक्ट है थोड़े थोड़े पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करो. उसने खुद की सैलरी में से भी पैसे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 pesos गैदर करना नामुमकिन था. So he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन इसलिए वो फार्मर को आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया. पूरा 100 pesos तो नहीं भेज पाया. मतलब तो भी पोस्टमास्टर इतना he was a good person that उसको ये था जिसने भी लेटर लिखा है उसका भगवान में से भरोसा नहीं छूटना चाहिए. इसलिए उसके पास खुद के पास पैसे इंडे स्टिल उसने लोगों से कलेक्ट करके जितना हो पाया उतना उस पोस्ट उस राइटर ऑफ द लेटर को भेजा. He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने वो पूरे पैसे आई मीन जितने पैसे कलेक्ट हो पाए envelope में डाल के Lencho को एड्रेस किया और विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सिग्नेचर और एक लेटर में नीचे एक सिग्नेचर कर दी गॉड कि भगवान के द्वारा तुमको भेजे गए पैसे हैं. द फॉलोइंग संडे Lencho केम अ बिट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. नेक्स्ट संडे वो पोस्ट ऑफिस आया Lencho और पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. It was a postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looking on from his office. अब जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस आया कि मेरे लिए कोई लेटर है तो पोस्टमास्टर ने खुद लेटर दिया कि हाँ ये तुम्हारे लिए लेटर आया और जो पोस्ट जस्ट पोस्टमास्टर है वो पोस्टमास्टर को फील हो रहा था कि नहीं सॉरी हाँ. While the postmaster experiencing the contentment of men who performed the good deed, postmaster को लग रहा था कि वो कितना खुश है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया किसी का भगवान में से फेथ नहीं उठने दिया. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho ने लेटर लिया पैसे देके तो कोई भी शॉक हो जाए ना क्यों वाह भगवान ने सच में पैसे दिए लेकिन उसको तो शॉक ही नहीं हुआ. It was just slightest of the excitement. It was obvious for him कि भगवान पैसे देंगे ही ना भगवान से मांगे तो भगवान तो हेल्प करेंगे ना. It was so obvious for him. Such was his confidence. ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था कि उसको पैसे देख के थोड़ा भी आश्चर्य सरप्राइज ही नहीं हुआ. But he became angry when he counted the money. पहले तो उसने देखिए कैजुअल रिएक्शन किया फिर खुश होने के बदले वो गुस्सा हो गया जैसे उसने पैसे काउंट किए. क्यों? God could not have made a mistake or not could have denied Lencho for what he requested. God ने ऐसी किसी मिस्टेक कर ली और मैंने अगर 100 pesos मांगे थे तो मेरे को पूरे 100 pesos
क्यों नहीं दिए? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक. इमीडिएटली गुस्से में लेंचो गया और बोला मुझे पेपर दो और इंक दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईज. वो लिखने लगा एकदम आंखों को एकदम रिंकल करके. अपन गुस्से में कुछ नहीं देखे ऐसा क्यों किया, एकदम आईज रिंकल करके लिखने लगा. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो. जैसे कंप्लीट हुआ विंडो पे गया टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड अफिक्स टू द एनवेलप. फिर उसने पूरा स्टैम्प मार के एनवेलप मार के दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और एकदम मुट्ठी से ऐसे उसको चुका के दिया कि लो लेटर. द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स ऑफ पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला तो फटाफट पोस्ट मास्टर वो लेटर को पढ़ने गया कि ऐसा तो उसने इतने गुस्से में क्या लिखा. और ये बंदा सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, खुश क्यों नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा कैसे हो सकता है पैसे देख के कोई, जबकि लेटर उसने लिखा भगवान को. भगवान कैसे सेंड करेंगे लेटर में, उसने कुछ सोचा क्यों नहीं. तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी वो लेटर पढ़ने गया. उसमें क्या लिखा था सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे. सुनो. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रीच मी. सुन लो भगवान, मैंने आपसे टोटल 100 पैसे मांगे थे लेकिन मुझ तक सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो 30 पैसे है मुझे फटाफट भेजो. और साथ में सिंस आई नीडेड वेरी मच, और फिर लिखा बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, मेल से मत भेजो बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स. बोला कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना वो धोखेबाज है, ये लोग बीच में से पैसा खा जाते हैं. इसलिए आपने जो 100 पैसे भेजे ना उस बदले मुझे 70 पैसे मिले और 30 पैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए. इसलिए नेक्स्ट टाइम मुझे 30 पैसे जो भेजो ना वो डायरेक्टली भेजना, मेल से मत भेजना. सो इमेजिन यहाँ पे पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज सब ने अपना पार्ट ऑफ द सैलरी लेंचो को दिया, लेकिन लेंचो को ये लग रहा था, लेंचो ने ये लिखा भगवान को कि इन्होंने मेरे पैसे खा लिया, मुझे डायरेक्ट पैसा भेजना. सो दिस वॉज द फेथ इन गॉड. अब आप डिसाइड करो अच्छा फेथ था, बुरा फेथ था, जो भी चीज थी. सो इट वॉज द चैप्टर लेटर टू गॉड, जिसमें एक फार्मर का भगवान ने फेथ बनाया. फेथ वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बताया. एंड उनके लिए उसके लिए बहुत ऑब्वियस था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे. और जब कम पैसे मिले तो उसने इल्जाम लगा दिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज में जिन्होंने एक गुड डीड किया था उस खुद के पैसे उसको दे के. ठीक है. सो दिस वॉज द चैप्टर लेटर टू गॉड. ओके, द नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे. टिल देन गुड बाय.